सरकार तो दुइये गो, एगो लालू जी एगो नीतीश जी। देखिए कहाँ रह रहे हैं आप, यहीं रहते हैं क्या जी? अभी मैं पटना क्षेत्र दीघा में हूँ, मरीन ड्राइव के पास। और ये देखिए सीन देख लीजिए। और हम लोग अभी एक आपको दिखाने वाले हैं, एक प्रभु जी मिले हैं। इस दिखाते हैं आपको लोकेशन, किस तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और देखिए मतलब आपको देख के जो है ना आपका रूह कांप जाएगा, किस तरह इंसान रह रहा है अपने पास। और आप आइए, आपको हम दिखाते हैं। देखिए आइए, आप आइए, आपको हम दिखाते हैं किस कदर ये रह रहे हैं। देखिए देखिए, देख सकते हैं ये कुत्ता भी वो पाल रहे हैं, देख रहे हैं। पांच को बच्चा है, देखिए कितना प्यारा सा। देखिए यहाँ किस तरह ये रह रहे हैं। फ्लैश थोड़ा ऑन कीजिएगा अपने मोबाइल का। देखिए कैसे ये जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए 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 कहाँ रह रहे हैं आप, यहीं रहते हैं क्या जी? इसी में रहते हैं, इसी में खाते हैं, इसी में पीते हैं ना? हाँ। बताइए, देखते रहे, देख रहे हैं किस तरह इंसान अपना जीवन यापन कर रहे हैं दीघा में, मरीन ड्राइव के पास। देखिए यहाँ देखिए कैसे सो रहे हैं। ये कौन है, इनको पहचानते हैं क्या? नहीं। ये तो पुलिस अधिकारी है। हाँ। है ना? हाँ। इनका नाम देखिए अनिल कुमार मल्होत्रा है ना? चलिए। देखिए इनको रखे हुए हैं, और देखिए भगवान का भी फोटो भी रखे हुए हैं। देखिए लक्ष्मी जी का है और कुछ कुछ भगवान का भी आप फोटो रखे हुए हैं। आइए आप बाहर आइए, और आपको रहने का व्यवस्था पूरा हम कर देते हैं। अब ये सब जो इतना मोह माया है आप उसको त्याग दीजिए। अगर जो उसको लेके जाने का मन है आप लेके जा सकते हैं। देखिए कितना मच्छर है यहाँ, बताइए। मच्छर कहाँ? नहीं है मच्छर, नहीं अभी तो लग रहा है मच्छर, लेकिन चलिए आप। तो मच्छर तो चलिए, आपको तो नहीं बुझाएगा मच्छर। चलिए देख रहे हैं किस, आइए आप आइए ना, बाद में लेके चलिएगा। सुनिए ना, आप इधर आइए। देखिए कितना प्यारा है ये, देखिए तो कितना प्यारा है ये कुत्ता का बच्चा है, लेकिन लेके देखिए कैसे कर रहा है। इनका इनका माँ है यहाँ, पूछते हैं इनका बच्चा का माँ है ना? हाँ। है ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? कोई दिक्कत नहीं। उसका दूध पिलाता है कि नहीं कुत्ता का बच्चा का माँ? दूध पिलाता है। चलिए चलिए आप पहले नहा लेते हैं, चप्पल पहन लीजिए, आप चप्पल पहनिए और चलिए। तो देखिए हम लोग किस लोकेशन में है, देखिए ट्रेन जा रही है यहाँ से। चलिए चलिए ना, देखिए कैसे जा रहे हैं, उसी में वो रह रहे हैं, उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप ही पाले हैं क्या? नहीं, यहाँ पर बच्चा की दे दिया था। बच्चा क्या? ये कुत्ता के बच्चा ना, इसी जो बगल में दे दिया। बगल में दे दिया था, आप इसको पाल रहे हैं ना? हाँ। बताइए, थोड़ा सियाना हो जाएगा, अपन घूमते रहे, घूमते रहेगा। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मनोज। मनोज कहाँ रहते हैं? दिघवाड़ा सीतलपुर। दिघवाड़ा सीतलपुर वहाँ के रहने वाले आप है ना? हाँ। आप यहीं रहते हैं? नहीं, इधर काम के सिलसिला में आए थे। काम के सिलसिला में आए थे ना जी, लेकिन रह नहीं पाए, काम नहीं मिला। काम नहीं मिला ना, क्या करते हैं काम आप? ऐसे वही ईटा बालू। लेकिन आप इसी में ऐसे रहते हैं ना, काम आप कीजिएगा? जरूर करेंगे। पक्का? पक्का। नशा वशा कुछ नहीं करते हैं? नहीं कुछ नहीं, तो आपको हम काम दिलवा देंगे, ठीक ना? ठीक है। हाँ ठीक है। पूरा गंदगी में रहना, पूरा नहाना सहाना कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे यही भेस में हमने के काम मिलता है? यही भेस में वो काम मिलता है? साफ सफाई में काम नहीं मिलता है? नगर निगम में नहीं काम करते? नगर निगम में नहीं बोल रहे हैं? यहाँ आप साफ सुथरा रहिएगा तब ना आपको काम मिलेगा, आप साफ सुथरा है ये नहीं। आप देखिए कैसे पूरा गंदा है। हम साफ सुथरा में भी रह सकते हैं? रह सकते हैं ना। हाँ। आपका व्यवस्था कर दे रहने का? कर दीजिए। हाँ
कर दीजिए। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत कोई दिक्कत। आप पहले नहा लीजिए, ठीक है, कपड़ा नया पहन लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको काम जो आपको अगर आपके पास शक्ति है काम करने का, ठीक है, तो आपसे हम काम करवाएंगे, और जो आपका दिहाड़ी हुआ वो आपको हम देंगे, ठीक है, समझे? ठीक है, ठीक ना? ठीक है। पहले आप चलिए, पहले आप वहाँ कहाँ नहाइए, गंगा जी में नहा लेते हैं। बाल्टी है, बाल्टी है, आपको नहा वहाँ के कपड़ा वपड़ा पहना देंगे, देखिए बाल में कितना गंदगी, बाल सब कट जाएगा, समझे? कमाते ही नहीं तो फिर आपको कैसे देता है? वही भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं? हाँ। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में तो नहीं है कोई। कोई नहीं है? कोई नहीं है। माता पिता? कोई भी नहीं। तो बोले दिघवारा मेरा घर है। चलिए ठीक है, पहले आपका हम जो जैसे आप जी रहे हैं उससे पहले आपको निकालते हैं, उसके बाद आपको काम चाहिए तो हम आपको काम दिलवाते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, ठीक है, ठीक ना? ठीक है। और कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब इस मजबूरी में आप इस मजबूरी देखिए कैसे आप रह रहे हैं। उठिए उठिए उठिए, आप थोड़ा उठिए, देख किस मजबूरी में आप रह रहे हैं, देख रहे हैं इसमें आप रहते हैं। पहले अभी रेलवे लाइन पर सो जाते थे। रेलवे लाइन में सो जाते थे? हाँ। बताइए, ठंडा जो गिरने लगा ना, तो हम इसमें रहने लगे। ये सब कौन दिया आपको? ये सब चटाई वगैरह, चटाई वगैरह वहाँ पर जो लाश जो जलता है उसी का लेते हैं ना। पूजा वगैरह भी करते हैं? पूजा वूजा करते हैं ना? भगवान को मानते हैं आप ना? भगवान को तो मानवे करते, बाकी ये सब जो ऊपर से सब एथी करने लगा तब जा करके हम यहाँ पे जो रहने लगे। पानी गंगा जी का पानी पीते हैं ना, तो गंगा जी से दिख रहा है। गंगा जी के पानी भी। लेकिन आपका दिल हम देखें, आपको रहने के लिए नहीं, लेकिन आप इसको पांच देखिए, एक एक दो तीन चार पाँच, पाँच जो आप पाल रहे हैं। वहाँ चला गया था हम देखें कि आप वहाँ से लेके आए, इतना प्यारा कुत्ता है, देखिए ना कितना हिस्ट पुष्ट है, देखिए देखिए कितना प्यारा है, देख रहे हैं, देखिए जो चीज़ दीजिएगा वो चीज़ खाएगा, जो चीज़ दीजिएगा वो चीज़ खाता है ना। आपका हम दिल देखे हैं, आपका दिल जो है बहुत बड़ा है, लेकिन इंसान ही इंसान का मदद कर सकता है। कोई मदद करने के लिए आया है कि नहीं आपका? मदद करने वाला नहीं आया है, जहाँ तक लेके बिगाड़ने वाला आया है बहुत है। बिगाड़ने वाला बहुत आया, लेकिन मदद करने बनाने वाला कोई नहीं आया। नहीं है। चलिए हम आपका जो है ना मदद कर देते हैं, ठीक ना? आपको नहा सुना के नया कपड़ा सब कुछ पहना देते हैं, चप्पल उप्पल जो है सब आपको ला के दे देते हैं। अगर काम करना चाहते हैं तो अगर आपको हम काम करवाते, अगर नहीं आपको काम करने का मन है तो आप आराम से खाना खाइए, रहिए, उसका व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग अभी गंगा जी जा रहे हैं नहाने आने के लिए। बोल लीजिएगा ना। हैं तो इंसान बहुत ही अच्छे हैं, समझदार भी हैं, कोई दिक्कत इनको नहीं होगा। ज़्यादा अगर अगर ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम रहता है तो बहुत सारा उनको रेस्क्यू करने में थोड़ा समय लगता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है इसमें? पैसा। देखिए बेचारा इतना रुपया ये रखे हुए हैं, मांग चांग के अपना व्यवस्था ये किए हुए हैं। एक बार खोल के दिखाइएगा। ये लीजिए देखिए। हर गंगे देखिए तो कितना अच्छा सा। ये लीजिए शैम्पू, देख शैम्पू नहीं ये गिरा दी, ऊपर गिरा दी, मिलाइए पूरा मिला ही इसको, देखिए कितना अच्छा से ये मिला रहे हैं। अपने नहा लीजिएगा आप, कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं। आप नहा लीजिएगा ना? चलिए बहुत अच्छा। देखिए साबुन है, हाथ में लगाने के साबुन है, पर लगाइए बालों में सब लगाइए। चलिए बहुत समझदार है। देखिए इंसान जब आते हैं बदलने के लिए तो इंसान जो है ना खुद पे खुद बदल जाता है, थोड़ी सी सहारा चाहिए, समझे?
वहाँ बोले कि इधर रहते कि गंगा जी में हम नहीं नहाएंगे, हमको तैरने के लिए नहीं आता, लेकिन फिर भी बोले जग दे देते नहाइए नहा। अब खुद से नहा रहे हैं, हम सट रहे हैं, सटने नहीं दे रहे हैं, हम खुद नहा लेंगे। नहाने जा रहे तो शर्मा जा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, पूरा शर्मा जा रहे हैं। तुरंत आइए आइए, रुके गमछी आपको दे रहे हैं, इधर इधर। सब समझदार है, धो लीजिएगा ना। देख कैसे धो रहे हैं अपना कपड़ा, समझदारी तो है। इंसान ही जानवर थोड़ी है, ये जानवर थोड़ी कि जो समझदारी इनको नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मानसिक संतुलन के कारण थोड़ा सा इनको ऐसा हो जाता है कि मानसिक संतुलन के कारण थोड़ा सा जीवन यापन में बदलाव हो जाता है। कैसा जी बदल के आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। हाँ ठीक लग रहा है। तो फिर आप ऐसे कह रहे थे इतना गंदगी में, आप कहे क्यों ऐसे रहते? देखिए कितना स्मार्ट लग रहे हैं, थोड़ा नहाते सुनाते तो आप अच्छा ना लगते हैं। आपको हम संस्थान लेके जाते हैं, अपना नहाइएगा सुनाइएगा, ठीक ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? हम क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलिए। जैसे इंसान को अगर आपको बदल के कैसा लग रहा है ये बताइए। इंसान को तो ठीक ही लगेगा। चलिए, और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत है ना आपको? नहीं। चलिए आप, और कुछ बात है तो बताइए। वही काम धंधा के लिए। काम धंधा करना है आपको? ठीक है, आपको हम काम धंधा लगा देते हैं, ठीक ना? और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, काम कर सकते हैं आप? हाँ। क्या क्या कर सकते हैं आप? वही जो घूमने वाला काम। घूमने वाला काम? हाँ, जैसे कि बैठ के काम कर, बैठ के काम करने वाला, वो आपको हम काम करवा देंगे, ठीक ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। इसमें आप अपना मांगते थे सबसे ना? मांगते भी है, मिल भी जाता है। देखिए गंगा जी में सब, देखिए कितना कितना रखे हुए हैं इसमें, रखे हुए हैं। देखिए देखिए प्रभु जी अपना मेहनत से सब कुछ किए हैं। देखिए इसको भी दिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेंगे हम, आप ही रखिएगा। देखिए कितना ये अपना मेहनत से किए, उसको आप ही रखिएगा, दिखा देंगे। देखिए देखिए, बैठिए 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 ना, बैठिए ना यहाँ। देखिए कितना ये अपना मेहनत से, अपना मांग के चांग के, लेकिन देखिए इंसान को मांग पैसा देने, पैसा दे देते हैं। नकली है कि क्या है असली? वो नकली है, नकली है। ये नकली है, देखिए इनको नकली पैसा दे दिया। देखिए 500 का ये नकली रुपया ये दे देता है, समझे? लेकिन जब भी आप इंसान को ऐसा देखें तो थोड़ा सहारा कीजिए, पैसा देने से क्या फ़ायदा? देखिए पैसा ये रखे हुए, इनका पैसा क्या काम का है? जब ये ऐसे रखे हुए हैं कोई काम का तो है नहीं, ये नाला में ही रह रहे हैं। लेकिन जब भी देखिए ऐसे इंसान को बदलिए, पैसा देने से कोई कुछ फ़ायदा नहीं है, समझे? और कितना रुपया देगी नहीं तो? ये तो कम से कम होगा, हमको लगता है नहीं हो तो 500 से ये कम नहीं है, 500 से ज़्यादा ही है ये, एक कम से कम 1000 का ये चिल्लर है, और ये टोटल 300 इधर हो गया। उसकी से बोलिए, देख सकते हो गया 520 रुपये, ये 520 हुआ, ये चिल्लर हुआ, ये अपना मेहनत से अपना मांग के चांग के, लेकिन पैसा देने से फ़ायदा क्या है? ये क्या है, जब ये इंसान बदल ही नहीं सकते हैं, नकली है। जब ये बदल ही नहीं सकते हैं तो पैसा रखने अच्छा, से फायदा अच्छा क्या है? पैसा समझे, अच्छा पैकेट में रख दीजिए, रुके रख देते, इसी में रख देते हैं आपका पैसा। ये डुप्लीकेट देखिए, सोच लीजिए ये पैसा कितना दिन से रखे होंगे। देखिए हाँ, देख ही रहे हैं, गल गया पैसा पूरा काला हो गया। देखिए पैसा कितना दिन से, देखिए काला हो गया ये पैसा। रखिए पॉकेट में आप रखिए, अच्छे से रख लीजिए पहले, अच्छे से पॉकेट में रख। तो ये देखिए इनको 500 का नोट डुप्लीकेट भी दे दिए हैं, क्या फ़ायदा ऐसा करने से? डुप्लीकेट है ये पैसा, समझे? इसको मत रखिए,
समझे, इसको फाड़ देते हैं, उसको बांध दीजिए, बांध दीजिए। ओरिजिनल डुप्लीकेट इनको क्या पता रहेगा, हाँ ये बेचारा मिला अपना रख लिए। चलिए नहीं लेंगे, हम लेंगे नहीं, देखेंगे एक बार, दिखाइए ना। इनका पहचान पत्र भी है ये देखिए, कुछ इधर सा ही पैसा मिला है। ये पहचान पत्र है मन्नती देवी मियाँ विभाग मियाँ बिघवा हिलसा नालंदा। ये कौन है ये आपको मिला था क्या? हाँ, इसी जगह मिला था, ये अपना पॉकेट में रख लिए। ये पहचान पत्र है, जितना इनको समझदारी था वो अपना हाथ ये मिला रहे हैं। देख रहे हैं इंसान तुरंत बदल जाता है, देखिए कैसे हाथ मिला रहे हैं ये। चलिए यहाँ ये नाला पे रहते थे समझे, ये जो है जानते कहाँ रह रहे थे, जो नाला जो होता है ना होम पाइप, होम पाइप के अंदर ये रह रहे थे। अच्छा, बहुत दिन से, मतलब कितना साल से रह रहे थे होम पाइप के अंदर? हमको साल भर से पुर गया, साल भर हो गया इनको होम पाइप के अंदर रहते हुए। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो? शीतलपुर छपरा। हाँ, शीतलपुर का करिया। अच्छा, पट्टी पुल तरफ आगे दानापुर के सामने। हाँ हाँ, हैं बहुत समझदार, लेकिन थोड़ा सा इनका जो है बोल रहे हैं कि इनको काम नहीं है, इनका सब कुछ इतना गंदा रहते थे, फिर भी इनका कपड़ा उपड़ा सब पहना दिए हैं, और ये देखिए कितना बदल गए, देख रहे हैं। चेंजिंग के भावना लाएंगे तो ना चेंजिंग होगा। हाँ, ये तो नाला में सीधे समझ गए कि यही मेरा दुनिया है। दुनिया सरकार तो दुई गो, एगो लालू जी एगो नीतीश जी। हाँ वाह, ये बात तो, और आगे कोई नहीं है? आगे कहाँ है, एगो तो आए थे वो, उनका नवा भूत मोदी जी। हाँ मोदी, हाँ मोदी जी को जानते हैं आपका? हाँ। कौन है वो? कोई भी नहीं है। क्या मोदी जी को से, मोदी जी से आप मिल लिए हैं? हाँ। कब मिले थे मोदी जी से? नीतीश जी से भी मिल चुके हैं। मोदी जी से भी मिले हैं? हाँ, लालू जी से भी मिल चुके हैं। हाँ। कब मिले थे? यही करीब करीब 5 साल हो गया। क्या बोले थे? 5 साल से ऊपर बेसी। क्या बोले थे मोदी जी आपको? यही गंगा जी के बारे में भी उड़ाही के मोदी जी क्या बोले थे? लालू जी भी एक बार काम वीरिन थे। और नीतीश जी क्या बोले थे आपको? वो भी कि गंगा जी भी हो जाएगा। चलिए अब नीतीश जी, लालू जी, मोदी जी को सबको जानते हैं ना। बातों किए थे क्या उनसे? हाँ, भेंट कात हुआ था पार्टी में। पार्टी में पार्टी सब जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, जिससे कि काम धंधा में गए थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नीतीश जी को, मोदी जी को देख रहे हैं। एक बार ऐसे सरकार बना दीजिए तो, एक बार आप एक बार ऐसे हाथ उठा दीजिए। चलिए देखिए कितना जल्दी इंसान बदल गए हैं। चलिए मुस्कुराइए और देखिए, और हमारे टीम की ओर से प्रयास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए, और जैसे ऐसा इंसान अगर आप लोगों को भी मिलता है तो आप कमेंट करके बताइए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, और आप लोग भी कोशिश कीजिए हेल्प करने के लिए। जय हिंद।